वालेकुम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा आर्मला हसन। आज भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रोज़ फ्रेश होना हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सुबह सुबह फ्रेश करें, क्योंकि जब टीवी ऑन करें तब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और आज भी हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं, कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर डिस्कस होने चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उस हवाले से, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि एक अफ्रीकन मुल्क में मट्टी से बनी एक मस्जिद है जो बहुत ज़्यादा अपना जो कह लें इम्पोर्टेंस की हामिल भी है, इस तरह से कि उसको एक सकाफती आलमी सकाफती मुकाम का दर्जा हासिल है। और इस कायम की जाने वाली मस्जिद को यूनेस्को की जानब से जो है सकाफती दर्जा दिया गया है। और इस मस्जिद का नाम जो है डी जेनी है। इस मस्जिद को मट्टी और गारे से बनाया गया है, जबकि इसका जो फन तामीर है 1240 के दौर का है, जिसे साहिलीनी जो फन तामीर कहा जाता है। और इस मस्जिद की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है। और सख्त गर्मी के दिनों में ये मस्जिद जो है इसमें ठंडक का एहसास करने के लिए इसको मट्टी से बनाया गया। और इवन आप इस पे खुले आसमान तले फर्श पर नमाज भी पढ़ सकते हैं सख्त गर्मी में, क्योंकि इससे इतना एक सूदिंग इफेक्ट आता है। तो जनाब ये मस्जिद है, और हर साल बारिशों के बाद इस मस्जिद के ऊपर नए सिरे से एक मट्टी की तह लगाई जाती है, जिसमें पूरे जो इलाका है वो बहुत जो है जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेट भी करता है। और इस दुनिया की मुनफरद तरीन मस्जिद की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 2000 नमाजियों की गुंजाइश है। और ये अफ्रीकन मुल्क में वाकया है, और ये मस्जिद नहायत अपने जो कह लें अपने नौयत की एक मुनफरद मस्जिद है, जिसके हवाले से हम आपको बता रहे थे जनाब। इसके अलावा अगली रिसर्च भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि रंगीन रोशनियों से जगमगाती खूबसूरत तस्वीर जो हैं, अच्छा रोशनी को कैद करना बड़ा मुश्किल होता है, और फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर एक के बस की बात नहीं है। मतलब उनके पास जितनी कीन ऑब्जर्वेशन होती है, जो उनका कह लें एक साइट होती है फोटोग्राफर्स के पास, तो ये तमाम चीज़ें दो ऐसे तख्लीकार हैं जो अपने कैमरे के ज़रिए ये कमाल करके दिखाते हैं। और इन दो तख्लीकारों ने फोटोग्राफी के शाहकार तख्लीक किए हैं, ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिक एक फोटोग्राफर भी हैं और एक डांसर भी हैं, और वो ट्यूबलाइट्स के इस्तेमाल से फोटोग्राफी का शाहकार तख्लीक करते हैं। एरिक का कहना है कि सिर्फ एक सेकंड का वक्त होता है उनके पास जिसमें उनको सही एक जो कह लें मंजर मिलता है, और उस एक सेकेंड के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनका कहना है कि वो पीछे खड़े होकर सबसे पहले ट्यूबलाइट्स को मुसलसल घुमाते रहते हैं, और जैसे ही उनको सही मंजर मिलता है उसे क्लिक कर लेते हैं और मुख्तलिफ रोशनियों के साथ वो ये पिक्चर्स बनाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है, और वही जैसे मैंने बात की कि ये एक स्किल है, एक आर्ट है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती। चले जनाब, ये तो हमने आपको बता दिया। अभी चूंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत सारी मदर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे अपने लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे भी बहुत सारी इस हवाले से हेल्प चाहिए है। अच्छा जनाब, कार्टून्स बच्चों का हम कहते हैं कि जनाब आजकल बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, गैजेट साथ में है, कार्टून्स अपनी पसंद की देखते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वैरायटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों पे बहुत गलत इम्पैक्ट भी डालती है। कार्टून्स का हमारी ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में किस तरह का इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमें साइकोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है यास्मीन बट। वेलकम टू द शो यास्मीन, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यास्मीन। सबसे पहले तो कार्टून्स बेसिकली हम इस पे बहुत अच्छे से, अब बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है, बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, इम्पैक्ट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, 1976 में अल्बर्ट बंडोरा की एक थ्योरी थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 18 महीने के 36 बच्चे लिए, 18 महीने के इसलिए लिए क्योंकि ये वो वाला बच्चा होता है जिसकी अभी कोई सोशल लर्निंग नहीं हुई भी होती है, तो उसकी जो भी लर्निंग जो है वो होती है वो इमीडिएट लर्निंग होती है, ठीक है। तो उन्होंने 18 महीने के 36 बच्चे लिए और उनको 18-18 के ग्रुप्स में डिवाइड किया और दो कमरों में बिठा दिया, ठीक है। एक कमरे में बच्चे जो थे वो ऐसे कार्टून देख रहे थे जिसमें वायलेंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, कि लोग अपने मतलब लोग मार रहे थे लोगों को, ठीक है। और दूसरे रूम में जो है वो कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी, कार्टून की एक्टिविटी नहीं थी, बच्चे सिर्फ अपने खिलौनों से खेल रहे थे। अच्छा, उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने उन बच्चों को एक कमरे के अंदर जमा किया और फिर देखा कि वो अपने खिलौने से कैसे खेल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने वायलेंस देखी थी वो अपने गुड्डे गुड्डियों को मार रहे थे, गुस्से से देख रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे।
अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर. उन्होंने 7 से 8 साल के बच्चों के ऊपर किया, फिर एडल्ट्स के ऊपर ये किया कि उनको इस तरह की मूवीज दिखाई या गेम्स खिलवाई. फिर उसके बाद उन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर किया और नोटिस किया कि कौन सा जेंडर जो है वो उसको जल्दी वायलेंस को पिकअप कर रहा है. सो दिस थ्योरी वाज प्रूवन टाइम एंड टाइम अगैन कि जितने भी ऐसे लोग थे जो कि वायलेंस देख रहे थे वो वायलेंस करते भी थे. ठीक है, सो ना सिर्फ एक इंसान बच्चे जो है वो वायलेंस देखने से वायलेंट हो जाते बल्कि दे बिकम इनसेंसिटिव टू वायलेंस एज वेल. द सेम वे आप देखेंगे कि अगर कोई सुसाइड का केस हुआ है या कोई अर्थक्वेक का केस हुआ है तो वाइल सम पीपल विल बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो घर में वायलेंस देखी या जिन्होंने कार्टून में वायलेंस देखी वो कम्प्लीटली इनसेंसिटिव होंगे. वो कहेंगे ये तो होता है बिकॉज फॉर देम इट बिकम्स नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने इतनी यंग एज में उसको इंटरनलाइज कर लिया है तो उनके लिए आई थिंक इट्स नॉर्मल. ऑल्सो बिकॉज कार्टून्स में यूजली हैप्पी एंडिंग होती है. ठीक है, वो जेरी जाके उसको जो मर्जी वो चिपक जाए, कुछ भी हो जाए, मर जाए, वो दोबारा उसने जिंदा हो जाना होता है. लेकिन इस तरह के कार्टून यास्मीन जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. अभी जैसे हमारे पास टॉम एंड जेरी होते थे, लायन किंग, इस तरह के हमारे पास कार्टून मूवीज होते थे. अब इस तरह के कार्टून से जिनमें ज्यादातर वायलेंस दिखाया जाता है या ऐसी चीजें दिखाई जाती है एक्सट्रीमिज्म शायद एग्जैक्टली जो बच्चों में उस हवाले से इतनी फ्रेंडली नहीं हो. ट्रू ट्रू ट्रू. सो होता क्या है कि बच्चे हर वक्त डिफरेंट तरह के कार्टून देख रहे होते हैं वाइल उनकी लर्निंग भी हो रही होती है, लेकिन उससे वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी भी लर्न करते हैं विच आर नॉट पॉसिबल. जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्दो इट ओपन्स द ब्रेन अप कि उनको पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं कि ऐसे भी हो सकते हैं वैसे भी हो सकते हैं, बट सम ऑफ देम एक्चुअली स्टार्ट लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. उनका ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कार्टून्स में तो ये हो रहा है, रियल लाइफ में क्यों नहीं हो सकता. सो एक ये बहुत ज़्यादा इश्यू होता है उनका. अभी चूंकि हम कार्टून की बात करें पॉजिटिव नो डाउट उनकी लर्निंग भी होती है, बहुत सारी चीजें वो सीखते भी हैं. लेकिन पेरेंट्स कहते हैं जब उन्हें कहा जाए कि इस बच्चे को ये वाले कार्टून नहीं देखने, जो कहते हैं हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. तो ऑप्शंस ना होना और फिर बच्चों को इस तरह इस डगर पे लगा देना तो फॉर द लॉन्गर रन उनके तो माइंड पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है. एग्जैक्टली, जैसे आजकल एक कार्टून पॉपुलर है क्योंकि वो पॉपुलैरिटी का भी होता है. कार्टून पॉपुलर है पेपर पिग, राइट. अब एज ए मुस्लिम नेचुरली पेग इज नॉट मतलब हलाल फॉर अस, राइट. लेकिन अगर एक बच्चा उसको देख के बड़ा हो रहा है तो उसके लिए पेग इज अ क्यूट कैरेक्टर. एग्जैक्टली, उसके लिए इट्स अ लवली कैरेक्टर. तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाद में उसकी सेम वही मॉरल वैल्यूज हो. तो ये छोटी छोटी मॉरल वैल्यूज को भी देखना होता है. ऑल्दो उसमें कोई वायलेंस नहीं है, बट जस्ट दैट के टुवर्ड्स दैट कैरेक्टर. ये जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारे जो कुछ कार्टून होते हैं वो बड़े बोल्ड भी होते हैं. ठीक है, सो उससे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बोल्डनेस सीखते हैं. अब पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जी हमारे तो घर में इस तरह का माहौल नहीं है, हम तो जी नमाजें पढ़ते हैं, हमारे घर में बड़ा इस्लामी माहौल है, तो बच्चे ने पता नहीं ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं. बच्चों ने ज़्यादातर चीज़ें कार्टून से सीखी होती हैं क्योंकि आजकल 3 महीने का बच्चा में हाथ से 3 से 6 महीने का बच्चा कार्टून देखना शुरू कर देते हैं. आराम से माएं हाथ में फोन देती हैं, टैब देती हैं लोग. एग्जैक्टली, सो मॉडलिंग की थ्योरी ये कहती है कि ना सिर्फ एक इंसान, इवन मतलब सेम एक्सपेरिमेंट रैबिट्स के ऊपर हुआ, चूहों के ऊपर हुआ, बिल्लियों के ऊपर हुआ. जब एक बंदर का दिमाग खोल के देखा गया तो उसके अंदर पता चला कि देयर वाज अ मिरर न्यूरॉन. ठीक है, कि मिरर न्यूरॉन में क्या होता है कि आप जिसको जो करते हुए देखते हैं बेसिकली आप वही करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो हमारे दिमाग में भी वही मिरर न्यूरॉन होता है कि हम जो भी करते हुए देखेंगे हम एग्जैक्टली वही करेंगे. बच्चे को कहा भी जाता है कि वो बिल्कुल मंकी की तरह चीजें कॉपी करता है, जो आप उसके सामने करते हो वही चीजें वो अडॉप्ट कर लेता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो जो चीजें वो कार्टून में देखेंगे, जो बिहेवियर वो कार्टून में देखेंगे, तो आई थिंक हमें अपने कल्चरल मॉरल रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखना चाहिए. क्योंकि वो चंद एक साल ही होते हैं जिनमें हम बच्चों के बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ज्यादातर तो हमारी नजरों से ओझल ही रहते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसा ही. और कुछ ऐसे कार्टून्स भी हैं जैसे अब डोरेमोन, आपने इसकी बात की, डोरेमोन दुनिया का बदतमीज तरीन बच्चा, उसमें वो नोबिता है. Exactly. कार्टून आप देख रहे होते हैं, बच्चे उसको आइडलाइज कर रहे होते हैं, ना उसने कभी होमवर्क किया है, ना उसने टाइम पे खाना खाया है, झूठ वो बोलता है और सारी चीजें बच्चे सीखते हैं. इवन मेरे अपने घर में बच्चे कहते हैं नोबिता भी ऐसे ही करता है, अब वो हर चीज गैजेट से निकाल लेता है. मतलब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कार्टून्स में. Exactly. भी जैसे अगर डोरा के कार्टून है, आई पर्सनली बिलीव कि वो बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते भी हैं. लेकिन इस तरह के कई कार्टून है लेकिन पेरेंट्स के पास वही बात के ऑप्शन नहीं है. एग्जैक्टली, दे सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द किड्स एज वेल कि अगर वो बैटमैन ये कर सकता है, बेंटन ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता. और अक्सर लोग, मैंने अक्सर बच्चों की ये ना ऐसे कन्वर्सेशन में देखा है कि वो अगर उनको दूसरे बच्चे पे गुस्सा आ रहा है ना तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास सुपर पावर होती ना तो मैं ये कर देता. दे डोंट मतलब उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स इम्प्रूव नहीं हुई भी होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स दूसरा से इम्प्रूव नहीं होती, असर्टिवनेस स्किल्स, मतलब वो
मसले को क्रिटिकली नहीं देखना चाहते, वो मसले को सॉल्व करना चाहते हैं सुपर पावर के थ्रू। तो एक ये भी काली सुपरमैन वाले, वो आपके पास कोई ऐसी पावर आ गई, तो बच्चे इस तरह की चीजें कर लेते हैं और फिर हम एट द एंड। अच्छा, पॉजिटिविटी भी कुछ होगी? पॉजिटिविटी बिल्कुल है। सबसे ज्यादा इसमें लैंग्वेज एनहांसमेंट होती है, क्योंकि स्पेशली जब आपका पहला या दूसरा बच्चा होता है, आजकल तो वैसे ही फैमिली में एक या दो बच्चे ही होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा बच्चों से बात करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है, तो हम उनसे इतना बोल नहीं रहे होते हैं। लेकिन कार्टून्स आर डायरेक्टली स्पीकिंग टू द किड, तो वो उसके उनकी लैंग्वेज वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, एक तो वो होता है। देन सेकेंडली, इन केस अगर हिंदी कार्टून्स नहीं है, ये भी एक बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। हिंदी कार्टून्स हो, उर्दू कार्टून जो भी है, वो ये कि वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होती है। देन सेकेंडली उसमें वो बहुत ज्यादा कलर्स और उस चीज का इस्तेमाल देखते हैं, तो उससे उनकी आर्टिस्टिक सेंस, एस्थेटिक सेंस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। थर्डली, चूंकि कार्टून मूव बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, आर एबिलिटी टू थिंक फास्ट, टू कैच अप फास्ट, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी चीजें देखेंगे ना, तो हमारा ब्रेन जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बड़ी जल्दी डेवलप होता है सामने वाला जो पार्ट है, उससे हमारी मोटर स्किल्स फास्ट होती हैं, ठीक है। थर्डली, जो उसमें सेंस ऑफ इमेजिनेशन होती है, उससे हमारे बच्चे की सेंस ऑफ इमेजिनेशन बढ़ती है कि ये भी हो सकता है, सो दे थिंक बिगर, क्योंकि नॉर्मल एनवायरनमेंट में चीज़ें बड़े सादे तरीके से, अगर एक टेबल पड़ा हुआ है तो वो क्या ही इसको देख के कितना लर्न कर लेगा, राइट, ठीक है। लेकिन द कार्टून्स विल टेक हिम टू प्लेसेस, राइट, एंड एज अ यंगर किड सेंस किड्स लव टू एक्सप्लोर, वो जल्दी लर्न करते हैं, तो वो बड़ा जल्दी पिकअप करना शुरू करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपने देखने वालों कि यूट्यूब जब आप बच्चे को देते हैं, तो अब यूट्यूब का एक किड्स वर्जन भी है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन मैंने अपने भी अब नेफ्यू के उसमें किया कि वो आप यूट्यूब जो हम बड़े के उसमें कुछ एडल्ट कॉन्टेंट भी होता है जो बच्चे के लिए होता है, तो समटाइम्स आपके पास एक अलग से ऑप्शन आती है यूट्यूब किड्स की, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो अप्रोप्रिएट नहीं होती वो फिल्टर होकर आ जाती है, तो वो पेरेंट्स जो थोड़े से कंसर्न होते हैं कि यूट्यूब पे क्या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उसका किड्स वर्जन डाउनलोड करके अपने बच्चे को टैब में या फ़ोन में दे सकते हैं। इवन गूगल पे जो सर्च इंजन हैं उन पे भी फिल्टर लग जाता है, तो उस पे भी आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, अगर आप खुद एज अ पेरेंट नहीं है तो किसी से कह दें, ताकि वो आपके बच्चे की जो चीजें हैं वो थोड़ी फिल्टर होकर आ जाए। श्योर श्योर, इवन नेटफ्लिक्स के ऊपर किड्स वर्जन है, टेड के ऊपर किड्स वर्जन है, व्हिच इज कॉल्ड टेड एड, सो वो जो है उसमें एजुकेशनल मटेरियल जो है वो उसके ऊपर अवेलेबल होता है। आई थिंक थोड़ी सी एफर्ट की बात, एफर्ट की जरूरत है। यास्मीन, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? आई थिंक हमारे यहाँ सोसाइटी में जो थोड़ी बहुत कमी है वो ये है कि इन ग्रोइंग अप ईयर्स हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिर्फ हमें पेरेंटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज के इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ किड और एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो आप पेरेंटिंग की कोई एक दो किताबें पढ़ लें, और फिर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई स्पेसिफिक इशू है, जैसे वायलेंस का इशू है या स्पीच डिले है या कोई किसी किस्म का माइलस्टोन डिले है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो है वो आप कोई किताब पढ़ लें। किताबें माशाल्लाह से बहुत अच्छी लिखी है। मी एज अ साइकोलॉजिस्ट, अभी आई डोंट हैव एनी किड्स, राइट, लेकिन मेरे भी चाइल्ड साइकोलॉजी की किताबें पढ़ती है, सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड देन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बिहेवियरल थ्योरी की दो चीज़ें हैं, री एनफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आप ये देख लें कि अगर आपने बच्चे का बिहेवियर स्ट्रेंथन करना है तो आप उसके रिवॉर्ड दें, अगर आपने कोई बिहेवियर वीकन करना है तो उसको पनिशमेंट दें, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें सीख लेंगे तो आई थिंक आपकी जिंदगी बड़ी आसान, जिंदगी आसान हो जाएगी। और पेरेंटिंग के हवाले से नो डाउट काउंसलिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पेरेंटिंग की बुक्स नहीं तो आप काउंसलर्स के पास जा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप रिलक्टेंट हो या आप बुरा फील करें कि मैं क्यों किसी काउंसलर के पास जाऊं, बल्कि आजकल के बच्चों को डील करना बहुत मुश्किल काम है। Exactly. मेरे ख्याल से हर एक को पेरेंटिंग की जो काउंसलिंग है उस बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग बुक्स भी पढ़ें, और इवन बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कार्टून्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है, तो चेक एंड बैलेंस जरूर रखें अपने बच्चों पर, और साथ में जो चीज़ें हैं कोशिश करें कि फिल्टर करके उन तक पहुंचे, और थोड़ा खुद भी उनके साथ बैठ के देखें कि वो टीवी पर क्या देख रहे हैं। जनाब थैंक यू वेरी मच यास्मीन, बहुत शुक्रिया। और जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास न्यूज स्टोरीज भी हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।